इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 90 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की है। ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय कीमत 9 लाख आंकी जा रही है। दरअसल इंदौर पुलिस लगातार ड्रग्स पेडलरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ताजे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने नार्को हेल्पलाइन नंबर पर मिली सूचना के बाद ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के ड्रग पेडलर नदीम उर्फ नंदू निवासी कुर्ला वेस्ट मुंबई को इंदौर के सरवटे बस स्टैंड के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया है। नशे के विरुद्ध इंदौर पुलिस का क्राइम ब्रांच का लगातार प्रहार जारी है और कड़ी कार्रवाइयां इसमें की जा रही है। इसी संबंध में पुलिस कमिश्नर द्वारा जो नार्को हेल्पलाइन संचालित कराई गई है इंदौर क्राइम ब्रांच में, उसके काफ़ी सूचनाएं उसमें प्राप्त हो रही हैं और इन्हीं सूचनाओं की तस्दीक करते और धरपकड़ करते एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की गई है, जिसमें एक आरोपी जिसका नाम नदूर नदीम है, ये कुर्ला मुंबई का रहने वाला है, इसे 90 ग्राम MD सीज हुई है और जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। इससे भी पूछताछ की जा रही है। सर, अभी हाल में जो महिला पकड़ी गई थी उससे कोई कनेक्शन इसका निकला है या उससे कुछ अभी इससे पूछताछ की जा रही है। पूरा मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट फेज में है। पूरा एक बार डिटेल इंटीग्रेशन हो जाए इससे और एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट हो जाए, उसके बाद ही कुछ बता पाएगा। कहाँ से पकड़ा नदीम को? इसको ये मुंबई का रहने वाला है जैसे आपको पहले बताया मैंने, और इसको सरवटे परिसर से जो है वहाँ से पकड़ा हुआ है। पूछताछ में क्या बताया सर कि इंदौर पहले भी आया है? मैं अभी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ अभी जारी है और मुंबई का रहने वाला है, मुंबई से का पेडलर है। अब इससे जो है जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है। इसको देना आया था, ये क्यों आया था? ये डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे जो है इसके खुद के सब पेडलर्स हैं, उनको देने आया था और ये 31st को लेके जो पार्टीज वगैरह होती है उनमें इनकी खपत होगी। पहले भी आता रहा सर ये जानकारी ली जा रही है। पेडलरों की संख्या या कोई नाम सामने? नहीं अभी। उसका कोई मुंबई में रिकॉर्ड पता किया होगा? पता किया जा रहा है। बस से आना पता अपने को सरवटे पर कली पकड़ा सकते कली पकड़ा की कार्रवाई सर। हाल में जो महिला पकड़ी गई थी उसमें भी क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आया है? उसमें